नमस्कार बच्चों, हम लंबाई के बारे में जान रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेंटीमीटरों को मीटरों में बदलना सीखा था और ये भी जाना था कि छोटी लंबाइयों को मापने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होता है और बड़ी इकाइयों को मापने के लिए हमारे पास मीटर स्केल होता है। देखो, ये आपका जो स्केल है ये 15 सेंटीमीटर का होता है, इसकी सहायता से हम इस पेन को माप सकते हैं। देखो, ये पेन लगभग कितना है हमारा, देखेंगे 13 सेंटीमीटर लगभग है, यानी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और ये सारा स्केल कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। अब तक आप ये जान चुके हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर को मिलाकर 1 मीटर हमारा बनता है। तो यहाँ पर कितना है, 110 सेंटीमीटर, आगे 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, फिर 200 सेंटीमीटर आएगा। तो आज हम सेंटीमीटरों को मीटर में बदलना सीखेंगे। 160 सेंटीमीटर को हम 100 के गुणांक में लेके आएंगे पहले, 160, तो 100 सेंटीमीटर अलग हो गए और 60 सेंटीमीटर हमारे अलग हो गए। अब ये जानते ही हैं आप कि 100 सेंटीमीटर का हमारा 1 मीटर बनता है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से बढ़ गया हमारा 1 मीटर और ये हमारे 60 सेंटीमीटर खुले ऐसे के ऐसे आ गए। तो 100 सेंटीमीटर कितना बन गया, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 980 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 के गुणांक में लेके आएंगे, 980, तो 900 अलग कर लेंगे और 80 सेंटीमीटर हमारा ये अलग से रहेगा। अब क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, 200 सेंटीमीटर से 2 मीटर, 300 से 3, 400 से 4 और 900 से तो 9 मीटर बनेंगे हमारे। ये आ गया 9 मीटर और ये 80 सेंटीमीटर। ये तो बहुत दूर की इकाई होती है ना। देखो, 1 मीटर इतना है तो अंदाजा लगाओ 9 मीटर कितना होगा। सोचो तुम्हारे कमरे की लंबाई कितनी होगी, हमारे कमरे की लंबाई 9 मीटर से तो कमी नहीं होगी, क्योंकि 1 मीटर इतना है तो इसे 9 गुणा करना पड़ेगा ना हमें। 1 मीटर इतना, 2 मीटर से 2 गुणा, 3 मीटर 3 गुणा और 9 मीटर 9 गुणा होगा, तो तुम्हारे कमरे की लंबाई लगभग 9 मीटर से तो कम ही रहती होगी। तो इस प्रकार से अपनी लंबाई का अंदाजा भी लगाना है। अब जैसे दरवाजे की लंबाई है, दरवाजे की लंबाई कितनी होगी, लगभग 2 मीटर के लगभग होगी दरवाजे की लंबाई। अब आप अपनी लंबाई देखो, अपनी आपकी लंबाई इतनी तो होगी, 1 मीटर के करीब आपकी लंबाई है। आप अपने दोस्तों की लंबाई का अनुमान भी लगा सकते हैं, मेज की लंबाई को माप सकते हैं। आप लंबाई को मापने के लिए घर में पित्ता होता है, पित्ता होता है आपका, इससे मापे। ये देखो, लंबाई को मापने के लिए इसमें इधर से ये सेंटीमीटर मीटर दे रखे, या फिर इसकी सहायता से आप माप सकते हैं। ये भी आता है, ये देखो इसमें भी मीटर सेंटीमीटर है। ये देखो, सब में ऐसे ही होते हैं। ये देखो 21, 22, 23, ये लाल अक्षरों में लिखे होते हैं ना हमारे, 50, 60, ये देखो ये यहाँ तक 90 और फिर 1 मीटर, ये 1 मीटर आ गया आपका। यहाँ इस प्रकार से हम इसको मापेंगे। तो अगला देखते हैं, 150 सेंटीमीटर कितना आएगा, इसी प्रकार से करेंगे हम। 150 सेंटीमीटर में 150, 100 अलग हो गए हमारे और ये 50 अलग आ गए। अब आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, ये 1 मीटर आ गया और ये हमारा 50 सेंटीमीटर। अब ये 105 सेंटीमीटर, 105, 100 अलग और 5 सेंटीमीटर अलग। अब देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये 150 सेंटीमीटर, ये 105 सेंटीमीटर, जीरो का खेल, शून्य का खेल है। शून्य पीछे आ गई तो 150 बन गया, शून्य जब बीच में आई तो 105 सेंटीमीटर, 100 जमा 5, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन ज्यादा है, 150 सेंटीमीटर के 105 सेंटीमीटर। ये देखो ये कितना है, 100 सेंटीमीटर, 105 तो यहां तक आएगा और 110, 150 दूर बढ़ा है, 150 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इसी प्रकार से आप लंबाई मीटरों को, सेंटीमीटरों को मीटरों में बदल सकते हैं। अगली वीडियो में हम दरवाजे की लंबाई, खिड़की की लंबाई, मेज की लंबाई मापेंगे। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।